नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आपके साथ संजीव। अभी हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में और सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राजद और जेडीयू के बीच लगातार पोस्टर वार जारी है, इसी बीच कुछ दिन पहले की अगर बात कर ली जाए तो राजद ने पोस्टर लगाया, फिर आज की अगर बात कर ली जाए तो जेडीयू की तरफ से यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। आप देख सकते हैं पोस्टर के जरिए जेडीयू ने सीधे तौर पर राजद पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए आप पोस्टर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ लालू प्रसाद यादव को और उनके साथ जीन को दिखाया गया, वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार की जो शासन है उस शासन में उन्होंने क्या क्या किया उसे दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों के जरिए, यहाँ पर जीन है, लालू प्रसाद यादव हैं, जीन कह रहा है लालू प्रसाद यादव से अब तेरी बातों में नहीं आने वाला, जीन कह रहा है लालू प्रसाद यादव से, क्योंकि जेडीयू का लगातार कहना है कि 1990 से लेकर के 2005 तक लालू प्रसाद यादव जीन को अपने बस में किए और जीन को धोखा देने का काम किए, यानी कि जीन का मतलब यह हुआ कि दलित और अति पिछड़ा का वोट बैंक लेने का काम लालू प्रसाद यादव किए और दलित और अति पिछड़ा के साथ धोखा देने का काम किए, जिसे यहाँ तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश किया गया है। अब यहाँ पर लिखा गया, क्या कीजिएगा जब रखवाले ही चोरी करे, चोरी करके तुमसे ही सीना जोरी करे, लोगों का कहना है। वहीं अगर नीचे की बात कर ली जाए तो पोस्टर में लिखा गया है, कहे बिगार सुनो भाई बहनों, घोटाले बाजों के गुण तीन, मन हारे धन संपत्ति लूटे और मती ले छीन, यानी कि लगातार जिस तरीके से पोस्टर पर शब्दों के जरिए जेडीयू के तरफ से राजद पर एक यूं ही कह ले कि बहुत ही बड़ी यहां पर आरोप लगाते हुए यहां पर तंज कसा गया है। वहीं अगर नीतीश कुमार की शासन की बात कर ली जाए तो जेडीयू ने अपने शासन को दिखाने की कोशिश की गई है, लो देख लो, यानी नीतीश कुमार की शासन में नीतीश कुमार ने क्या किया, राजबल्लभ यादव को, लालू प्रसाद यादव को, शहाबुद्दीन को, तीनों को जेल करने की काम किया, जेल में डाला तीनों को, न्याय दिलाने का जनता के साथ काम किया और तीनों को जेल के अंदर किया और तीनों अभी जेल में हैं। अगर उसी दूसरे तरफ की बात कर ली जाए तो स्कूली व्यवस्था को दिखाने की कोशिश की गई है, रोटी यानी कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं लगातार और जो शिक्षा व्यवस्था है उसे भरपूर दिखाने की कोशिश की गई है। नीचे सुरक्षा की बात लगातार एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई भी सरकार में क्यों ना रहे, तो सुरक्षा को भी दिखाया गया है कि सुरक्षा की अगर बात कर ली जाए बिहार में तो नीतीश कुमार के शासनकाल में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। वहीं शिक्षा की एजुकेशन, हायर एजुकेशन की भी यहाँ पर बात की गई है, पोस्टर के जरिए दिखाया गया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी लगातार नीतीश कुमार की तरफ से पढ़ने वाले बच्चे को दिया जा रहा है, उसे भी दिखाया गया है। लड़कियों की बात की जाए तो अगर शिक्षा दर की बात कर ली जाए लड़कियों का तो उसे भी दिखाने की यहाँ पर भरपूर कोशिश की गई है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की शासनकाल में बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा में लड़कियों का आगे आना ऐसा लगातार माना जा रहा है और शायद ऐसा है भी। और वहीं स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे शासनकाल में स्वास्थ्य की व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि विकास का काम हमने किया है, तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है, रोजगार का काम हमने किया है, हमने गांव की महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है, छोटे छोटे रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। अब आम देखने वाली बात यह होगी कि इस पोस्टर वार के बाद राजद के तरफ से किस प्रकार का पोस्टर जारी किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।